ये इंडस्ट्री में स्कोप कितना है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस इंडस्ट्री. आई विल शेयर वन मोर थिंग विथ यू एंड दिस इज अ टॉपिक विच आई शेयर एवरी टाइम विच इज कॉल्ड एज नीड वर्सेस वॉन्ट. नीड वर्सेस वॉन्ट का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. When Kehzad sir started his career in the fitness industry as a personal trainer, वो personal trainer थे 1995, 96, 97, 98 ये years में वो लोगों को charge करते थे somewhere between 50,000 to 1 lakh rupees per month for personal training. Personal training में होते हैं 12 sessions एक महीने में. So for 12 sessions he used to charge somewhere between 50,000 to 1 lakh rupees when back in the 1990s, 1995 से 2000 के बीच का मैं era का बोल रहा हूँ. Today is what year? 2023. I am charging somewhere between 1 to 1.5 lakh rupees for 12 sessions of personal training to my members. मेरे जैसे ही और कई ऐसे trainers हैं जिनको मैं आपसे मिलवा भी सकता हूँ, या फिर मे बी स्कूल में ऐसे कोई होगा कि आपको साथ में कोई मिलवा सकता है, तो दैट दे आर चार्जिंग 1 टू 1.5 लाख रुपीस पर मंथ पर पर्सन फॉर 12 सेशंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग. इफ एनीवन हियर वांट्स टू परचेज माय कंसल्टेशन फॉर न्यूट्रिशन, मेरा अभी न्यूट्रिशन कंसल्टेशन का कॉस्ट है 30,000 रुपीस वन कंसल्टेशन. सो यू टेक वन कंसल्टेशन फ्रॉम मी, I will charge you 30,000 rupees. I know some of my friends who charge 50,000, 80,000, 1 lakh. Unka ek saal ka package bhi hai. Ki if you want per month 1 lakh rupees hoga. Nutrition plan ka cost, nutrition ka consultation ka cost. Pure saal ka aap loge ka 10 lakh hoga. Instead of 12 lakhs. To 10 lakh mein aapko 2 months extra mil rahe. Aise bhi log hai. So if you think there is no scope in the industry, there is no money in the industry, no my friend, you're wrong. There is a lot of scope in the industry. There is a lot of money in the industry. And that is there in every industry, not just this. Dusri cheez main aapko batana cha raha hu ki need versus want. Iska main aapko ek example deta hu need versus want ka. Pehle 1990s mein, 2000 mein fitness, health ये सिर्फ एक वांट थे. वांट वांट मतलब क्या है? वांट का हिंदी वर्ड क्या होगा? चाह. मैं चाहता हूं, राइट? यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एक मर्सिडीज या फरारी चाहिए, चाहते हैं कि मुझे मर्सिडीज या फरारी या लंबोर्गिनी, कोई ऐसे एक सुपर कार चाहिए लाइफ में. ऐसे कितने लोग हैं? मैं भी हूं. इवन आई वॉन्ट अ सुपर कार इन माई लाइफ, राइट? ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदा नहीं रह सकते सुपर कार नहीं मिली तो? कोई भी नहीं है. यू हैव मेट्रो, यू हैव बस, यू हैव ट्रेन्स टू ट्रैवल, यू हैव ओला उबर टू ट्रैवल, राइट? यू हैव योर ओन कार, योर ओन व्हीकल राइट नाउ टू ट्रैवल. सो इट इज नॉट अ नीड, करेक्ट? आपके लाइफ में अगर फेरारी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी नहीं है तो आप जिंदा तो रहोगे. इट इज नॉट अ नीड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1990s में फिटनेस वॉज ओनली अ वॉन्ट. इसलिए क्या होता था, जो अल्ट्रा रिच फैमिलीज है, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल फैमिलीज है, जैसे सेलिब्रिटीज है कुछ बहुत पैसे वाले, सिर्फ वो लोग फिटनेस ट्रेनर्स को हायर करते थे. इफ यू लुक एट, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इफ यू लुक एट इंडिया राइट नाउ, यू विल सी मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड द रिच क्लास ऑफ पीपल, दे आर ऑल्सो हायरिंग पर्सनल ट्रेनर्स. And I can tell you that by experience, we have more than 6,500 members in OMFIT, out of which around 65% are nutrition ke members or around 35% are personal training ke members. Ye 35% jo hai personal training wale members, isme se matlab around ek aap maan ke chalo 2,000 log, ye 2,000 logon mein se shayad 100-150 log hi rahenge jo ultra rich family se aate hain. Baki sare jo log hai ye middle class family se aate hain. And they are willing to pay. These are people from middle class. Some are from lower middle class as well, who are willing to pay your fees. Because please understand, fitness is not a want anymore. Fitness is a need.
पहले फिटनेस सिर्फ उन लोगों को चाहिए था जिन्हें अच्छा दिखना है, अभी लोगों को पता है कि मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे मेरी हेल्थ अच्छी रखनी है, मुझे क्या बोलेंगे प्रेजेंटेबल दिखना है, मेरा आइडियल बॉडी कंपोजिशन कम चाहिए, अगर मैं एक फिट इंसान हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी काम में, अगर मैं फिट इंसान हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सारी चीजें अभी लोगों को समझानी नहीं पड़ती है, सिखानी नहीं पड़ती, पीपल नो दैट। एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर कोविड, यू कैन जस्ट सी दैट, आप कोई भी गली में जाइए, गवर्नमेंट ने जिम्स इंस्टॉल किए हैं, राइट, वो जो मशीन्स है, हालांकि वो सारे मशीन्स में से 99% मशीन्स आर बायोमैकेनिकली इनकरेक्ट, उसका डिजाइन इज नॉट राइट, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इट हैज रीच्ड टू एवरी कॉमन मैन नाउ, इट हैज रीच्ड टू एवरी कॉमन मैन। तो अभी फिटनेस का जो इंडस्ट्री है, इट इज नॉट कि 10% ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू गेट फिट, 20% ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू गेट फिट, नो, 100% ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू गेट फिट, 100% ऑफ द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू गेट फिट। So if you want to check the scope of the industry, don't go by the numbers which are shown in the research. Everybody, every single human nowadays wants to get fit and healthy. Are you with me on this? COVID was a big catalyst in this. Even pre-COVID, it was a big thing that everyone wants to get fit. Pet kam sabko karna hai. Strong sabko banna hai. Agar aap elders dekhoge, so in OMFIT we also train elders. We have members who are joining a gym at the age of 89. Hamare paas ek hai 89-year-old who recently joined a gym. And he was bedridden. Bedridden ka matlab hai, he could not walk. Wo chal nahi paate the. Aur ab wo chal ke gym bhi ja rahe aur gym mein workout bhi kar rahe at the age of 89. And that is 8 to 9 months of personal training that we gave him. And now he can do most of the tasks on his own. So it is performance training, right? So ऐसे कोई एज कैटेगरी भी नहीं रहेगी कि अरे 20 साल के जो लोग हैं, 30 साल के जो लोग हैं, उन्होंने ही जिम जाना है। So the scope of the industry is the entire world. It is up to you कि आप उसमें से कितने अच्छी तरीके से सिखा पाते हो और कितने अच्छी तरीके से टैप कर पाते हो। I'll tell you one more story, very funny story. Back in 2016, I think, so 16-17. पूना में मैं एक सोसाइटी में ट्रेन करने जाता था। ट्रेनिंग का टाइम था 5:15 AM, 5:15 बजे सुबह ट्रेनिंग थी। बाय द वे, इवन नाउ आई एम अ पर्सनल ट्रेनर, इन द मॉर्निंग आई टेक फ्यू पर्सनल ट्रेनिंग्स, आफ्टर मॉर्निंग इन द आफ्टरनून आई एम एन एंटरप्रेन्योर, उसके बाद मैं मेरे ऑफिस जाता हूँ ओमफिट में और जो मैनेजमेंट रिलेटेड काम है वो करता हूँ। आई विल कम टू दैट लेटर। अभी भी मेरा जो फर्स्ट सेशन है वो 5:30 AM का है। मुझे अभी भी घर 4:45 AM को छोड़ना पड़ता है। मैं अभी भी दोस्तों के साथ रात को पार्टीज में नहीं जा सकता। मुझे अभी भी रात को 10-11 कभी कभी 12 बजे तक सोना ही पड़ता है। मैं नेटफ्लिक्स पे बिंज नहीं कर सकता रात को टीवी सीरीज। ये सब चीजें अगर आप प्रिपेयर्ड हो करने के लिए देन प्लीज कम इन दिस इंडस्ट्री, अदरवाइज डोंट। एनीवेज, कमिंग टू माय स्टोरी, आई हैड माय फर्स्ट personal training at 5:15 AM and this was the month of I think so November or December, sardiyon ka mausam hota hai to sunlight nahi hota hai 5:15 AM ko, to main 5:15 AM ko gaya aur pehle main kya karta tha, home trainings ke liye bhi main meri car mein barbell aur plates carry karta tha, to meri car ko log bolte the ki if the gym can't, I used to tell people that if you can't go to the gym will come to you. And I used to carry some weights in the car. There were dumbbells, there were kettlebells, resistance bands, barbell, 5 feet barbell and plates. ये पूरा मेरे कार में stack रहता था पीछे। मेरी कार में it was a 5-seater car, but actually it was only a 2-seater car. आगे ही बैठ पाते थे आप। पीछे सब पूरा जिम था, मतलब पूरे जिम का सामान था। So I went there at 5:15 AM, जो मेरी क्लाइंट कस्टमर मेंबर थी पर्सनल ट्रेनिंग की, मनीषा था उनका नाम, वो पार्क स्ट्रीट करके एक सोसाइटी है वहां पे रहते थे। और बड़े बड़े सोसाइटीज में क्या है ना, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। व्हेन यू गाइज एज पर्सनल ट्रेनर्स यू गो टू अ सोसाइटी, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो मैं आया, तभी सर्दियों का मौसम था तो मैंने पहना था एक हुडेड जैकेट, ओके,
तो आप इमेजिन करो ये सीन, एक हुडेड जैकेट में मतलब एक इंसान आ रहा है सुबह 5:15 बजे एक सोसाइटी में, कार के लाइट्स बंद हो रहे हैं, कार में से एक बंदा बाहर आ रहा है जिसने हुडी पहना है, जैकेट पहना है, और मैं अंदर से 5 फुट का बड़ा बार निकल रहा हूँ बाहर, राइट? सो द वॉचमैन गॉट स्केर्ड एंड द वॉचमैन सेड कि ये क्या कर रहा है मतलब. और वो जो मेंबर है मेरी, उन्होंने स्क्वाट्स करना शुरू किया था, और उनको जो स्क्वाट्स में जो वेट था दैट वॉज ओनली, वो सिर्फ बारबेल उठा पा रहे थे तभी. मेरा शायद सेकेंड या थर्ड सेशन ही था, सिर्फ बारबेल उठा पा रहे थे तभी, तो मैं सिर्फ बारबेल लेके जा रहा था. तो वॉचमैन ने मुझे रोक दिया, और वॉचमैन मुझे अंदर छोड़ने को वो तैयार ही नहीं थे. उन्होंने बोला मैं तो आपको छोड़ूंगा ही नहीं. मैंने उनको बोला अरे आई एम हियर टू सी मनीषा, शी लिव्स ऑन दिस फ्लोर, उनका ये फ्लैट नंबर है. वो मुझे अंदर छोड़ने को ही रेडी नहीं. तो मुझे फाइनली मनीषा को कॉल करना पड़ा, और कॉल करके मुझे बोलना पड़ा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया, ये मुझे अंदर ही नहीं छोड़ रहे, इन्हें पता नहीं मैं क्या करने आया हूं बार लेके सुबह सुबह, बड़ा बारबेल लेके, रॉड जो होता है वैसे. और फिर उन्होंने बात की वॉचमैन से, और उन्होंने बोला कि ये मेरे जिम के ट्रेनर है, ये सुबह ही आएंगे 5:15-5:30 बजे, और इन्हें छोड़ दीजिए, तो ये इक्विपमेंट जो है ये लेके ही आएंगे, तो छोड़ दीजिए इन्हें. तो वॉचमैन ने वो बात सुन ली और फोन रख दिया, और मुझे फोन वापस देते हुए, पहले मुझे जो वॉचमैन था वो ऐसे थोड़ा रूडली बात कर रहा था, यारे कौन है तू, समझता है क्या, ऐसे ऐसे. और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं वर्कआउट लेने आ रहा हूँ किसी का, तो फोन देते हुए उन्होंने कहा सर ये ले लीजिए फोन. तो सडनली कॉन्वर्जेशन चेंज हो गया. जैसे मैंने फोन ले लिया और मैं अंदर चलने लगा, तो उन्होंने कहा सर 2 मिनट है क्या आपके पास? तो मैंने बोला हाँ जी, बोलिए क्या हो गया? तो उस वॉचमैन ने भी बोला मुझे कि जरा पेट कम करना है, क्या कर सकता हूँ बताएंगे क्या. एंड आई एम नॉट किडिंग यू, इवन एट दैट मोमेंट इफ आई वुड हैव टोल्ड हिम कि ठीक है मैं आपको कुछ बता दूंगा पेट कम करने के लिए, आप ये कर सकते हो, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन में आपको ये खाना पड़ेगा, एंड इफ आई वुड हैव टोल्ड हिम कि बॉस मैं आपको 300-400 रुपीस चार्ज करूंगा ये सब नॉलेज देने के, आपको पता है क्या, वॉचमैन होते हुए भी ही वुड हैव पेड प्रॉब्ली, या फिर ज्यादा फीस भी बताई रहती, ही वुड हैव पेड मी इन इंस्टॉलमेंट्स बट ही वुड हैव पेड, और ही वुड हैव मेड अप दैट मनी एंड ही वुड हैव पेड, बिकॉज इवन दैट क्लास ऑफ पीपल रियलाइज दैट फिटनेस इज अ नीड नाउ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16. So when you think about the scope of the industry, please let me remind you, it is the entire world. That is the scope of the industry.